इन दिनों खंडवा सहित पूरे निमाड़ अंचल में लोक आस्था के प्रमुख पर्व गणगौर की धूम है। हर कोई पर गणगौर की कुमारी छाई हुई है और सभी लोग अपने अपने स्तर पर माँ की आराधना और गणगौर की पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। गणगौर शहर में तो मनाया जाता ही है, लेकिन ग्रामीण अंचल में इस पर्व का विशेष महत्व है। गणगौर तीज पर बाड़ियाँ खुलने के बाद रणुबाई और धनिया राजा के रथ तैयार होते हैं और पूरा परिवार इसकी सेवा में जुड़ जाता है। शुक्रवार को धनिया राजा और रणुबाई के रथों को गांधी भवन लाया गया। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए गांधी भवन पहुंचे और सभी ने माता की आरती और दर्शन का लाभ लिया। गांधी भवन में पानी पिलाने के बाद रथों को बड़ी संख्या में गणगौर घाट पर विसर्जन के लिए ले जाया गया, लेकिन जिन लोगों ने रथ बोड़ाए हैं उनके रथों का विसर्जन अगले कुछ दिनों तक होता रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर भंडारे और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। गांधी भवन में भी विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। ताली दो जोड़ों को बजाने को।